सीतापुर जिला कारागार में निरुद्ध समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खान समेत 13 बंदी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। सीतापुर जिला कारागार के जेलर आर एस यादव ने शनिवार को बताया कि रैपिड एंटीजन परीक्षण और आरटीपीसीआर दोनों जांच में सांसद खान समेत 13 बंदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने बताया कि बुखार और खांसी की शिकायत पर उन सभी का परीक्षण किया गया। पहले रैपिड एंटीजन और फिर आरटीपीसीआर के लिए नमूने भेजे गए, जिनकी शुक्रवार को रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यादव के अनुसार आजम खान का उपचार कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत चल रहा है और उन्हें पृथकवास में रखा गया है। जमीन हत्याने और अन्य आपराधिक मामलों में आजम खान अपने बेटे के साथ फरवरी 2020 से ही सीतापुर जिला कारागार में निरुद्ध है। इस बीच सपा ने आजम खान के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा की मांग करते हुए बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा है। शनिवार को समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है कि अत्याचार और दमन की प्रयाय भाजपा सरकार द्वारा सत्ता दुरुपयोग कर सीतापुर जेल में जबरन बंद किए गए सांसद आजम खान साहब का कोरोना वायरस से संक्रमित होना अत्यंत दुखद। सपा ने मांग की कि आजम खान की उम्र को देखते हुए सरकार ने उन्हें तत्काल जेल अस्पताल से बाहर निकाल किसी उच्च स्तर या अस्पताल में भर्ती कराए। जेल में बंद आरजेडी की पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की शनिवार को यहाँ डीडीओ अस्पताल में मृत्यु हो गई। महानिदेशक संदीप गोयल ने बताया कि दिल्ली जेल के कैदी मोहम्मद शहाबुद्दीन की मृत्यु के बारे में डीडीओ अस्पताल से सूचना मिली है। वह कोविड-19 से पीड़ित थे और उन्हें 20 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कारा अधिकारियों ने बताया कि उन्हें 2-3 दिन पहले अस्पताल के सघन निगरानी कक्ष में भर्ती करवाया गया था। इसी के साथ आपको बता दें कि हाल ही में बांदा जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अंसारी को पंजाब की जेल से लाकर बांदा की जेल में भारी सुरक्षा के बीच रखा गया है। लेकिन खास बात तो यह है कि गैंगस्टर को जेल की जिस बैरक में रखा गया है वहाँ किसी का आना जाना बहुत कम होता है। जेल के अधिकारियों ने अंसारी सहित जेल के अन्य कैदियों की कोरोना जांच की। रैपिड एंटीजन टेस्ट में अंसारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एंटीजन टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अंसारी का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया, उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.